यस सर। यस सर। हिस्ट्री क्लास पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है? मतलब डोंट थिंक कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर सेम पढ़ने आए हो तो यू मे लीव, आज हिस्ट्री क्लास है। सर हम तो कुछ और सोच के आए थे। सर उधर ही भारी सोचिए क्या? सॉरी देखो जॉब सो तो रिपीट करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। क्या बोले? हर तरफ बारिश हो रही है जस्ट। सर उधर भी बारिश हो रही है क्या? हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा सही। बहुत ही बढ़िया नेटवर्क आ रहा है, ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। अच्छा मौसम है बाहर, हमारा लेक्चर चल रहा है। सर पढ़ने का मौसम बिल्कुल ले लेंगे, ये बात तो है। क्या सकाश क्या कह रहे हो? सर जसवंत कह रहा है पढ़ने का। जसवंत बेटा बोलो क्या बोल रहे थे? सर स्मार्ट दिख रहे हो मौसम इतना क्या कह रहे हो? सर पढ़ने का मौसम नहीं हो रहा। अच्छा पढ़ने का मौसम नहीं हो रहा है? पढ़ने का मौसम आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर, आई विल ऑलवेज एग्री विद यू कि पढ़ने का मौसम कभी नहीं होता है। मौसम सिर्फ एक चीज का होता है, सोने का। क्या हिस्ट्री पढ़ाओगे बेटा? कि टैंकी की ले रहे हो? अरे पानीपत की लड़ाई यार। अरे नहीं नहीं कारगिल की। चलो ठीक है स्टार्ट करो मैं लेक्चर। आई थिंक काफी बच्चे आ चुके हैं। Yes, हो गया मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है? जिसको आपत्ति है वो अपने कैमरे बंद कर सकता है, वैसे किसी ने ऑन तो करे नहीं है। एंड आई एम स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई विल म्यूट एवरीवन। अब जिसको जो डाउट होगा वो म्यूट कर लेना अपने आप को, ठीक है? तोड़ दूं म्यूट? यस सर। ओके सर। यस सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है। सर आपने अपने आप को ही कर लिया म्यूट। ये तो है सर, आवाज नहीं आ रही। सर आप आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ भाई रुक जाओ। हो गया हो गया। आप लोग खुद ही कर लो, क्योंकि पता है आई हैव जॉइंड फ्रॉम टू डिवाइसेस, दैट्स द इशू। सो व्हेनेवर आई म्यूट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, दिस आल्सो म्यूट्स माय अदर डिवाइस। वैसे मैंने ये होने क्यों कर रखा है? चलो वहीं से आ रहा हूँ। इतना फोन किया करूंगा जब मुझे आप लोगों को लैब्स वगैरह बताने होंगे। एम आई ऑडिबल नाउ प्रॉपरली? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बढ़िया। So, अगर हम बात करें that we all are studying in mechanical automation engineering, और सबके सब हम पहले मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, just see me and talk to me. And final year में आ चुके हो आप लोग, you are right now in final year and been studying mechanical automation engineering for last 3 years now. Lateral entry वाले 2 साल से पढ़ रहे हैं, पर कितनों को पता है? How many of you know what automation is, how did it start, इसका आगमन कहाँ से हुआ, क्यों important बनी ये, और आपकी engineering के अंदर ये extra word क्यों आया? क्योंकि हमारे mom dad जब कभी करे, किसी ने भी अगर mechanical engineering करी हमारे खानदान में, they were used to call us mechanical engineers, but why we are different and we are called as mechanical automation engineers? कोई guess कर सकेगा? Would like anyone like to interact on this particular topic? सर व्हेन सर जब 1980 में आई गेस जब खत्म हुआ था मशीन एज, उसके बाद ऑटोमेशन एंड कंप्यूटेशन का एज आया था। ओके क्या क्या खत्म हुआ था? क्या खत्म हुआ था? मशीन एज, इंडस्ट्रियल एज जिसे बोल सकते हैं। ओके ओके मशीन एज, ठीक है फाइन। चलो ये थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। जब इंडस्ट्री 3.0 स्टार्ट हुई थी। इंडस्ट्री 2.0। अच्छा आकाश अभी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सा 0.0 चल रहा है अभी? सर 3 और 4 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है इंडिया। इंडिया नहीं यार, देखो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड 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 चल रहा है सर। 4 4 में चला कि 5 आ चुका है? 5 तो सर सिर्फ जापान में 1-2 इंडस्ट्रीज में ही है, मतलब ऐसा सभी है। सर टॉप नॉच की बात करने का बॉस रीजन क्या है? हां आई विल जस्ट टेल यू द रीजन इज दैट
the older India used to work very late. Programming which we are going to teach you might be the basics, but the older India used to be very late. The real India, now India, is working on every latest technology. So, आज नहीं है हमारे पास, पर हम बहुत स्पीड से चलते हैं. हम कहाँ 2G से सीधा 4G पे आए, बीच में 3G हम लोगों ने ऐसे स्किप किया, हमें पता भी नहीं चला कितने साल के लिए आया. बाकी कंट्रीज में 3G 10-10 साल के लिए रहा, वहाँ जनरेशन आने में 10 साल लगे, पर यहाँ यहाँ ऐसा नहीं हुआ. अब यहाँ 5G भी आ रहा है, एंड वी विल माइट बी द फर्स्ट सो कॉल्ड कंट्री और द कंपनीज जो 5G को पूरे वर्ल्ड में लेके जाने वाली स्पेक्ट्रम, मतलब रिलायंस को शायद मिला है एंड ऑल. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज ये जो सारी चीजें हैं ये लिंक करती है द रियल टेक्नोलॉजी व्हिच इज राइट नाउ गोइंग ऑन इन द होल वर्ल्ड टू व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया. 10-20 साल पहले या 10-15 साल पहले, अगर 2000 जब आप लोग शायद पैदा 2000 के बाद हुए हो, नहीं सर 1999 चलो थैंक गॉड सारे के सारे एटलीस्ट. तो जब आप लोग पैदा हुए थे उससे 5 साल, तब तक आप लोग 5 साल गए थे, तब तक के लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडिया जो वर्क करता था चीजों पे, इट यूज टू बी द ओल्डर वन. कि हम जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं वो 1970 से पहले की होती थी, 30-30 साल पुरानी चीजों पे काम कर रहे होते थे. वर्ल्ड में जो घिसके आ जाती चीज इंडिया में आती थी, वो भी छोड़ो 10 साल पहले लेते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर, व्हेनेवर आई वांट टू बाय द आईफोन, इट यूज्ड टू कम इन मार्च फेब, एटलीस्ट फेब मार्च तो बहुत नॉर्मल होता था, और लॉन्च होता था सितंबर में. वो यूएस की प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने में दे यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 5-6 मंथ्स. अब आज के डेट पे दे, आप प्लीज म्यूट अपने आप को तब करें जब व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी प्लीज, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता चलता पर हमारे पीछे की डिस्टर्बेंस बहुत आती है. अगर मेरी तरफ से आ रही है तो प्लीज लेट मी नो. रोल नंबर 414 अतुल, कर दिया मैंने म्यूट, चलो छोड़ो ना. At that time it used to happen, but nowadays I doubt. तो आज थोड़ा सा start करते हैं, start with the history. अतुल आपने फिर unmute कर लिया बेटा, बताओ कोई doubt? नहीं सर, वो गलती से हो गया था. अरे क्या बात है, गलती दो बार. Excuse me sir. Yes. Sir starting. कोई बात. अरे मैं कुछ कह ही नहीं रहा, don't worry. I'm not getting angry. हाँ जी, yes बोलिए, कौन बोल रहा है, नाम बता दिया करो please. सर अक्षत बोल रहा हूँ. Yes, अक्षत सर, वो बच्चों को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है सर, मेरा भी 12 मिनट्स के बाद ही ज्वाइन हो पाया. परफेक्ट अक्षत, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर? यस सर, ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द लिंक. उनको बोलो अभी लिंक पे क्लिक करें, फिर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ. ओके सर, मैंने शुरुआत में सिखाना ही था बट मैं इसलिए रुक गया क्योंकि बच्चे कम है, क्या ही सिखाऊं, बार बार एक ही चीज सिखाता रहूंगा फिर. नहीं सर, हम टीम पे जाके जो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वो वहां से नहीं कर पा रहे ज्वाइन, मैं ये कह रहा हूँ. 39 बच्चे क्लास में हैं, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, कहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? टीम पे गए? नहीं सर, मैंने ज्वाइन कर लिया, जो मेरे जो कुछ दोस्त हैं उनका दोस्त है ना, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप करो या उनको बोलो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं लिंक शेयर कर देता हूं आज की क्लास का. ठीक है सर. ठीक है ना, मुझे पता है फर्स्ट क्लास थी, मैंने इसलिए रख रखी चीजें. ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द स्टफ वेयर आई वाज, मिस करवा दिया हिस्ट्री, आई वाज अबाउट टू शेयर द पीपीटी. So as you can see over here, सबसे पहले मैंने सिर्फ हिस्ट्री लिखी है, कुछ नहीं लिखा, आपको इतना दिख रहा होगा, एक दिमाग दिख रहा होगा. सबसे पहले when we talk about automation or history of automation, हमारे सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि हमारा इंजीनियरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई. इंजीनियरिंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई से कि कुछ लिखा हुआ था आर्किमिडीज की वजह से, कुछ लिखित में हिस्ट्री इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई. हम लोग आदि मानव के टाइम से वर्क कर रहे होंगे, बट दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, बट ऑटोमेशन उससे भी पहले की स्टार्ट हो चुकी थी. हाउ सो, लेट अस सी. सबसे पहले ऑटोमेशन ने म्यूट किया, यस बताइए कोई डाउट? बाबर अनम्यूट ही करते रहोगे, बढ़िया है. सो As you can see, आप लोगों को सबसे पहला दिखा होगा 300 BC के अंदर. इसे क्या कहा? अरे क्या चल रहा है, कौन है ये? रोल नंबर 90 ना, ये कौन है? 903 देवेंद्र जी, कोई डाउट बेटा?
हाँ जी देवेंद्र बेटा क्या चल रहा है, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ये बाकी को डिस्टरबेंस आ रही है ना, ऐसे मैं ही हूँ, एम आई द ओनली वन? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। चलो फिर म्यूट कर दो। तो पोटर्स व्हील्स वाज द फर्स्ट ऑटोमेशन। पोटर्स व्हील्स क्या होता था, एक क्ले का बना होता था, आई होप आई माइट बी ऑडिबल, अगर नहीं हूं तो आप लोग मुझे इंटरप्ट करके बताना, ठीक है। तो पोटर व्हील्स क्या बना होता था कि क्ले की चीज बनी होती थी, उसको एक साथ रख दिया जाता था और रोटेट किया जाता था एट अ हायर स्पीड, और वो ऑटोमेटिकली काफी देर तक मूव होता रहता था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ऑटोमेशन, एंड ऑब्वियसली ये आगे चल के एक बेस भी बना कि चीजें धीरे धीरे हम स्टार्ट कर दें और वो अपने आप होती रहे। और ये पोटर्स व्हील आप लोगों ने देखा होगा, आज के टाइम पे ये इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा होता है। अगर आप कहीं भी क्ले मॉडलिंग या कुछ भी क्ले मेकिंग वर्कशॉप्स को अटेंड करें या कहीं जाएं, बट गांव में जाके देखोगे जहां आज भी हाथों से काम होता है, तो ये सिंपल हाथ से घुमाया जाता था एंड देन इस पे बनाया जाता था। फिर कई सालों तक कोई ऑटोमेशन नहीं हुआ, इंसानों को कुछ पता ही नहीं था। 600 BC के अंदर फर्स्ट टाइम लीवर का यूज हुआ, चलो ठीक है जी, ओके फाइन, दैट आल्सो मेड हेल्प अस ऑटोमेट द थिंग्स, थोड़ा बहुत चीजें हमारे लिए आसान की गई क्योंकि लीवर के बिना हम भारी चीजें नहीं उठा सकते थे। एंड परहैप्स लीवर एंड द व्हील कॉम्बिनेशन की वजह से ही पिरामिड्स बने हैं जो आज तक हमें लगता है एलियंस ने बनाए हैं। नाउ 400 BC के अंदर फर्स्ट एग्जिस्टेंस आई वुडन स्क्रूज की। अब आप बीइंग अ मैकेनिक इंजीनियर आप सोचो स्क्रूज कब आए होंगे, कोई बोलेगा World War I के अराउंड, कोई World War II बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई 200 साल बोलेगा, कोई 300 साल बोलेगा, बट सच बात यह है Even before Christ, they were in existence. फिर उसके 50 साल बाद पहला गियर की एग्जिस्टेंस हुई। हम जो गियर डिजाइन कर रहे होते हैं, इट माइट बी द मोस्ट एक्यूरेट वन, माइट बी द मोस्ट, यस, इज नो डाउट। ये हमारे देवेंद्र जी फिर से, अपने आप को म्यूट कर लिया। मैं हाँ मामा से बात कर रहा था, एक सेकंड, डिस्टरबेंस घर में होती है छोटी छोटी। नाउ 350 बीसी की बात कर रहे हैं। 350 बीसी के अंदर फर्स्ट गियर की एग्जिस्टेंस आई, चाइना ने इसे यूज किया था। आप लोग हिस्ट्री में मुझे पता इंटरेस्टेड नहीं होते हो, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स इज रियली इंपॉर्टेंट, जैसे मिड में आऊंगा बताऊंगा, मिड में आके एक बार थोड़ा सा डिबेट भी करूंगा तो आपको समझ आएगा। पहला गियर बना, अब गियर की एग्जिस्टेंस हुई तो इंसानों को समय में आया कि चीजों का मोशन भी दे सकते हैं, सर्कुलर मोशन दे सकते हैं, हम किस तरीके से मोशन दे सकते हैं, बट इंसानों को 90 साल लगे समझने में। एंड 90 साल के बाद उन्होंने ये सोचा कि पानी इकट्ठा करने के लिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग कंटेनर्स इन द वाटर एंड देन कैरिंग दैट वाटर ऑन योर हेड ऑन समथिंग दैट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर व्हील्स बनाए। ये वाटर व्हील्स आपने कई जगह देखे होंगे, अगर सबसे ज्यादा फेमस सीन मुझे याद आ रहा है तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी के अंदर देखा था, जैक स्पैरो फाइट्स विद अ पर्सन इन दिस पर्टिकुलर व्हील, ठीक है, जिसकी फेवरेट मूवी है उन्होंने देखा होगा जस्ट लाइक मी। तो दैट वाज द मेजर सीन, मुझे उसके अलावा कोई सीन याद नहीं आया किसी और मूवी के अंदर, एज आई वुड हैव टोल्ड यू, वेब सीरीज में तो बहुत याद आए। बट ये वाटर व्हील क्या करता था, दो तरीके से, जो एनिमेशन आपको यहाँ दिख रही होगी ये एनिमेशन उल्टी दिख रही है, ये ऊपर का पानी नीचे लेके जा रही है, इट हैज टू बी डिफरेंट, ये नीचे का पानी ऊपर लिखाना चाहिए था इसको, दोनों वे में वर्क करता था। ये पानी का जहां फ्लो होता था ये उस दिशा में ज्यादा इजीली वर्क करता, जिस डायरेक्शन में फ्लो है वो डायरेक्शन में फ्लो आता था, इस व्हील को रोटेट करता था, इसमें देखो पानी फंस जाएगा, ये दिख रहा है आपको हल्का हल्का फंसता हुआ यहाँ, ठीक है, एंड दैट वाटर यूज्ड टू बी कैरिड एट अ हायर हाइट और हायर टैंक्स। पर इंसानों को कई साल लग गए, ये बन गया बात खत्म, बहुत साल लगे प्राइस के बाद भी, 650 साल कह लो टेक्निकली अगर ऐड किया जाए तो इट इज अबाउट 900 साल, करीबन 900 साल लगे इंसानों को यह समझने के लिए कि विंड की एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। तो पहला विंड मिल जो बना था वो ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बना था, ना आटा पीसने के लिए बना था, ना किसी चीज के लिए, वो बना था एग्जैक्टली ये वाटर व्हील को यूज करने के लिए। कई जगहों पर पानी का फ्लो कम होता था, वाटर व्हील नहीं घूम पाता था, पर वहां हवाएं बहुत तेज होती थी, तो उन्होंने इस वाटर व्हील को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्यू गियर्स टू द विंड मिल। क्लास बोरिंग हो रही है तो मैं चुप कर जाता हूँ, सारी बातें मैं कुछ और पढ़ाने लग जाऊंगा। नहीं सर ठीक है, आकाश के अलावा भी बाकी बच्चे भी बताएं।
सही है सर, सही है सर, मजा तो नहीं आ रहा बट सही है, मजा नहीं आ रहा। मजा पता कैसा आएगा, पेन पेपर उठा ले, एक कॉपी वगैरह उठा के बैठा करो, क्योंकि अभी जैसे मैंने आकाश की वीडियो देखी थी, मुझे सही में आया कि लड़का बिल्कुल बेड पे बैठा हुआ, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ उसने, यू ठीक है, जब आपका मोबाइल हाथ, हाँ ठीक है, सारे बैठे होंगे, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों के लिए काम चल रहा है, क्योंकि आज मैंने बहुत बेसिक लेक्चर रखा है, मैं तो आज पुराने के मूड में भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत बता देता, हिस्ट्री भी नहीं, हाउ टू यूज दिस सिम एंड ऑल, मैं आपको छोड़ देता। पर क्यों मैंने कंटिन्यू किया, क्यों मैंने आगे रखा है, कि मुझे लगा चलो बनी हुई है चीजें डिस्कस कर लेते हैं, शायद आपके लिए आसान है, वी कैन प्रोसीड फर्दर, और जिस बच्चों को भी आज तक का डाउट होगा ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इजीली खुद देखे भी समझ जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें मुझे बताने वाला, मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो शायद पीपीटी में नहीं लिखा, दैट्स इट ना। वो जो पहली एग्जिस्टेंस बनी जब हमने विंड मिल को यूज किया टू टेक आउट द वॉटर, उसके बाद इंसानों ने मुड़ के नहीं देखा, यहां से इंसान थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए, अब हमारी इन्वेंशन थोड़ी सी बेटर हुई, हमारे लिए इजी स्टेक ऑफ इजीनेस हुई, जैसे कि कैम, कैम की एग्जिस्टेंस, अब कैम फॉलोवर ना आप, मुझे पता नहीं आप लोगों का, बट फॉर मी इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि कैम फॉलोवर सन 1200 सदी का है, मतलब 800 साल पहले, 814 इयर्स बैक इसकी पहली एग्जिस्टेंस थी। मैंने गूगल किया, मैंने हिस्ट्री ढूंढी, मुझे नहीं मिला, मैंने एनसाइक्लोपीडिया चेक किया, मुझे फिर नहीं मिला, मुझे जानना था, वैसे विकीपीडिया पे लिखा हुआ था बट इतना एग्जैक्टली नहीं लिखा था कि इन्होंने क्या बनाया फर्स्ट टाइम, पता नहीं कहाँ कोई एक छोटा सा ब्लॉग मुझे मिल गया, उस पे जाके ब्लॉग नहीं ब्लॉग बी, उस ब्लॉग पे ये लिखा हुआ था कि फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कैम, वैसे वो कैम फॉलोवर वाला नहीं था, जो ये कैम आपको यहाँ मोशन करता हुआ दिख रहा है, इट्स अ कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म, ये आपने टॉम में पढ़ा होगा, वो उन्होंने कैम यूज किया था जस्ट टू शूट द एरोज ऑटोमेटिकली, आई वाज इंप्रेस्ड, तो मैं सोचा देखूं यार कौन सी कंट्री थी, तो वही कंट्री है जिसने पूरी दुनिया की बजा रखी है अभी, चाइना, ठीक है, जिसकी वजह से आप और मैं यूं दूर दूर बैठे हुए हैं, वरना इस अच्छे से मौसम में तुम घर पे होते, मैं ऑफिस में होता, सारा मास बंक होता, मैं एंजॉय करता फिर एक चाय का तब, क्योंकि आते तो तुम नहीं इतने अच्छे मौसम में, मुश्किल से 3-4 ही आते। खैर जोक्स अपार्ट, सो ये कैम की पहली एग्जिस्टेंस आई टू शूट द एरोज, लोगों को मारने के लिए, बट आज ये कहां यूज होता है, आप लोगों की बाइक स्कूटी हर एक ऐसी जगह जो आप सोच नहीं सकते, इवन कैम गेव द बेस एग्जिस्टेंस टू द जायरोस्कोप्स आल्सो। अब मैं जायरोस्कोप पे डिटेल में नहीं जाता, ओरली बता देता हूँ, जायरोस्कोप एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके मोबाइल तक में लगा होता है टू एक्नॉलेज द डायरेक्शंस ऑफ योर मोबाइल, मोबाइल आपका वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप की पोर्ट्रेट। फिर इंसानों को 550 साल करीबन लगे ये समझने के लिए कि हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को स्टीम बनाते हैं, एंड वो स्टीम भी हम यूज कर सकते हैं, और उस टीम से हम मोशन ले सकते हैं, उस टीम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो क्या बना हमारे लिए, स्टीम इंजन, दिख रहा है एनिमेशन, दिख रही होगी हल्की सी छोटी सी, yes, सर बताना तुम्हें से कितने बच्चे खाना खा रहे हो या खा चुके हो, खा चुके सर, दुष्टो अभी नहीं सर, अभी नहीं खाया सर, सर मैंने नहीं खाया, नहीं खाया तो चल खा ले साथ साथ, पढ़ते पढ़ते खा ले, जिंदगी का सच बोलने की नहीं, नहीं? सच बोलने की नहीं हो रही क्लास में, सच बोलने की नहीं हो रही है, जो एक्सक्यूज मी बोल रहा था वो अपने आप को अनम्यूट करके दोबारा बोले, कि बाकी बच्चों के, हाँ जी बताइए सर, वो सात्विक कह रहा है उसने आपको अभी व्हाट्सएप किया, आप सॉरी मैं तुम लोगों से बात करने लग गया ना, हाँ आप उसको लिंक शेयर कर दीजिए, कर रहा हूँ 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 कर रहा हूँ, शोइंग दिस एरर अगेन एंड अगेन, अरे मेरे पास वो नोटिफिकेशन ही नहीं आई, बोल रहा जब व्हेन, ठीक है एक दो ये रहा लिंक, और कोई बच्चा है तुम्हारा दोस्त, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वो मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा तो हो गया सर लॉगिन, हाँ सर, वरना रीजॉइन कर रहा था कि ऑर्गेनाइजर हैजंट स्टार्टेड द मीटिंग येट, बाबा ये मैसेज आ रहा था सर, हो गया ठीक है सर, एक सेकंड ना, ये अब बच्चों को मेरा नंबर मिल गया तो बेटा, राइट नाउ मैं लेक्चर, मैं 11:50 के बाद बात कर पाऊंगा,
अगर मेरे क्लास के हो तो ये लिंक फॉलो करके आ जा, नहीं हो तो आज का दिन एंजॉय कर, कोई तेरा फर्क नहीं पड़ने वाला, शाम को तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो कमिंग बैक टू यू पीपल, कैमरा टेढ़ा हो गया। अब ये सारी हिस्ट्री विस्ट्री हम जो देख रहे थे, अब आप सोचोगे यार हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सी किसी भी चीज की एग्जांपल देता हूँ, इफ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, इट कुड बी ऑफ एनी सेक्स और एनी स्पीसीज ऑल्सो, ठीक है। अब आपको अगर उसको इंप्रेस करना है तो आपको पहले उसकी हिस्ट्री बायोडाटा चेक करना होता है ना। क्यों चेक करना होता है, व्हाई? बिकॉज यू रियली नीड टू नो कि वो कब स्टार्ट हुआ, कब उसका मोटिवेशन आया, कब वो कहाँ पहुंच रही है चीज। आज के टाइम पर राइट नाउ इंडिया हैज प्रूव दिस थिंग दैट हमें सिर्फ मार्केट चाहिए होती है, हम उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों को मास्क चाहिए थे, लोगों को पीपी किट चाहिए थी, चार महीने पांच महीने पहले वी वर एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग दोज थिंग्स एंड नाउ डेज वी आर एक्सपोर्टिंग दैट मार्केट टू द वर्ल्ड। जो मार्केट इंडिया में मुश्किल से 10 करोड़ की भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या 100 ले लेते चलो एट द मोस्ट, वो आज के टाइम पे 10,000 करोड़, तो मैं मई की गारंटी ले सकता हूँ कि वो कंट्रोल क्रॉस कर चुकी थी। और प्रिडिक्शन थी कि इस साल के एंड तक वो 1,00,000 करोड़ होगी, 10,000 से 1,00,000 करोड़, इंप्रेसिव ये कैपेसिटी होती है। अब ये इतने फास्ट क्यों हुआ कि मुझे हिस्ट्री पता थी, मुझे पता था ये चीज कैसे बन रही है, कौन सी सबसे चीपेस्ट क्वालिटी की चीज बन सकती है। मैंने बैकग्राउंड में जाके हिस्ट्री चेक करी, किसी ने कपड़ों से बनाया मास्क, किसी ने कॉटन के उससे बनाया मास्क, किसी ने सिंथेटिक से बना दिया मास्क स्पॉन्ज वाला, बट सबने अपने अपने तरीके से चीज बनाई और बेची और बिकी। 5 रुपए से लेके मास्क मैंने 500 तक का भी देखा, वो सारे बिके। मैंने 5 से लेके 150 तक का, 200 तक का, 350 तक का भी लिया, हर एक चीज बिकी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्राइसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली होलसेल प्राइसेस। आप तक 5 वाला कभी नहीं आया, मिनिमम आपके पास 10-15 वाला आया और वो 5 रुपए वाला होता था, शायद 3 रुपए का भी मिल जाए आपको। दीज वर द थिंग्स विच इज विच आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल देता हूँ, कल एक बच्चे ने मुझसे कॉल करके पूछा कि सर शुड आई डू दिस कोर्स ऑन PLC SCADA, ये आप मैकेट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके अंदर प्रोग्रामिंग आती है, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिकल सर्किट्स। अब उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में उससे पूछ रहा था, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो उसका अगला क्वेश्चन था, सर ये इस लायक है कि इससे मुझे जॉब मिलेगी? मेरा फिर मत कर। आज से 6 years back और 5 years back आई यूज टू से दिस थिंग टू द स्टूडेंट्स, ओके फाइन आपको एक कोर्स लगता है आप जॉब वर्दी आप करिए, बट नाउ आई नेवर से एनीथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग टू माई स्टूडेंट्स कि इफ यू फाइंड समथिंग जॉब वर्दी एनफ देन गो फॉर इट। नो, इफ एनीथिंग इज जॉब वर्दी एनफ डोंट डू इट, बिल्कुल नहीं करिए, छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि वो यहीं तक का हो गया। इट्स लाइक कि मेरे को 70% चाहिए, अब 70 सोच के जा रहे हो तो शायद 70 आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपने 80 सोचा है तो 76-75 से ऊपर जा सकते हो। जब आप सोचोगे जॉब तो शायद जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बट उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि व्हाटएवर यू आर स्टडिंग इज इट गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू, इट इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज समथिंग न्यू, बिकॉज नोइंगली अनोइंगली वी ऑलवेज कीप आवर डेटा इन आवर सबकॉन्शियस माइंड इन आवर माइंड, पर जब हम वो सुनते हैं दोबारा तो हमें लगता है हाँ ये मैंने सुना हुआ, एंड देन वी थिंक अरे ये तो डेजा वू है। इट इज नथिंग लाइक डेजा वू, डेजा वू तभी हो सकता है जब टाइम ट्रेवल हो रहा है। डेजा वू इज ओनली एग्जिस्टेंस इन योर हैविंग द एग्जिस्टेंस इन योर रियल लाइफ इज दैट कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी थी, इट वॉज ऑलरेडी इन योर माइंड एंड येट यू वर नॉट शुड आई से अवेयर ऑफ दैट नॉलेज, बट जैसे ही आपने सुना क्लिक कर गया, ओके फाइन यस ये मैंने सुना था या मुझे पता था थोड़ा बहुत, पूरा नहीं याद था। सो 2 मिनट लूंगा आप लोगों को, मैं चाहूंगा आप लोगों को एक चीज दिखा दूं स्क्रीन खोल के, विंडो, आई विल शेयर द होल विंडो विद यू पीपल। ये नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं। ये मैं आप लोगों को सिर्फ वो बताने वाला हूं अभी कि जो सब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस समय क्लास के अंदर 45 बच्चे हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू गैदर दिस थिंग। आप लोगों को मुझे पता है आता है, बट अगर आप 45 आगे 45 को सिखाओगे, सलमान खान की तरह बोल रहा हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मांशु की ईमेल आईडी कहां गई? मांशु ईमेल आईडी बताएगा बेटा, मैं भूल गया। आई थिंक मांशु नहीं है, तो ठीक है मैं अपनी ही डालता हूँ, तो मेरी वाली से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मैं यही दिखा देता हूँ। चलो छोड़ो, आपको अपनी टीम्स पे क्लिक करना है। इज इट विजिबल टू यू ऑल? कोई एक बच्चा कोई भी कर लो म्यूट। यस सर। अब दीज आर द ग्रुप्स, मैं इसको हटाता हूँ,
रीजन ग्रुप्स तो मेरी क्लासेस है, मैंने सब मैंने सब, मैं सब में ज्वाइन हूं, उसका रीजन यही है कि मतलब एक सेकंड में आ गया, ये रहा ना, मैं सब में ज्वाइन इसलिए हूं बिकॉज़ बीइंग इन अ टेक्निकल टीम, आप लोग एक ही क्लास या दो ग्रुप में ज्वाइन होंगे, फॉर एग्जांपल आप 7M 7M 7 8 9 के हैं तो आपके पास ये ग्रुप आएगा, ये आएगा और ये आएगा, आपके पास सिर्फ तीन ये ग्रुप्स आएंगे। तो अपना टाइम टेबल देखना है, सीधा सीधा अपने उसमें जाके टाइम टेबल खोल के इसके अंदर जाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो क्लास चल रही होगी उसके अंदर कैमरा बना होगा, जैसे सिम चल रही है सिम के ऊपर कैमरा बना हुआ है, अंदर खोलोगे सारी कुछ आ रखा होगा, सिर्फ ज्वाइन करना है, दैट्स इट। और वो भी टाइम जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद, और आपको यहाँ दिख जाएगा मीटिंग में कितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल 32 मिनट से मीटिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है, और इसमें इतने बच्चे इसके साथ इसमें हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर भी आपको बता दूं आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो रही है, सेम गोज विद 7M 8, अगर आपकी आज कोई लैब है तो उस टाइम के ऊपर आप उसको वहां जाना है एंड क्लिक ओवर देयर एंड यू कैन सी। जैसे अनुपम ठाकुर सर ने एवरी ट्यूजडे लैब सेट कर रखी है, आपकी 12 बजे ट्यूजडे को लैब होगी ना, तो उन्होंने टाइम टेबल सेट कर रखा है। तो दिस इज द ओनली वे टू ज्वाइन द क्लासेस, मोस्ट इजी पॉसिबल वे। अगर आप इसके अलावा कुछ कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो ऐसा ना करें और सिंपल यूज करें, तो लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड रहेगी। ये चैट्स है, कैन यू प्लीज सेंड द लिंक टू सात्विक, ओके फाइन। अभी किसी बच्चे ने मुझे बोला, अब मैं इन सबको जो देखूंगा मैं क्लास के बाद दे दूंगा, सो ये मुझे मन हुआ बताने का, मेरा मेरे लिए आसान है आप लोगों को समझाना। अब आपको समय में आ गया सिंपल सा, ये अपने दोस्तों को सिखाओ, ठीक है। अब आप लोगों की टीम्स इज लाइक यू ब्लॉक नंबर 2, तो मैकेनिकल के तो ब्लॉक नंबर 2 आपकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 2 में आए, अपनी क्लासरूम ढूंढी और वहां पहुंच गए। अनलाइक ओल्डर टाइम्स की मेट्रोलॉजी लैब ही नहीं पता, भाई मेट्रोलॉजी लैब कहां है बे, बेसमेंट में है, नहीं कहां है, टॉप फ्लोर पे लैब कोई होती है, used to happen, it's very normal, आप लोगों के साथ हुआ होगा, when you might have been third year, कोई था ऐसा महान इंसान जिसके साथ ऐसा हुआ था? Syllabus show करता हूँ आप लोगों को सिम का, history continue करके खत्म कर दूँ, फटाफट, क्योंकि मुझे लगा आप लोग बोर हो गए तो मैंने खत्म कर दो सर, खत्म कर दो, नहीं सर पढ़ा दो सर, कर दो सर कर दो, सर पढ़ा दो, वापस आ गए हम history पे। एस हमने कैम डिस्कस किया स्टीम इंजन बने, अब स्टीम इंजन बनने के बाद से ना पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज स्टीम इंजन ने हमें स्टेपिंग स्टोन दिया टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल, यस बिल्कुल इंडस्ट्रियल भी था, बट सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये क्यों बना, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बन गई, ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया। उस टाइम पे ट्रेन जो चली थी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, बट स्टिल इट बिकेम द रेवोल्यूशन, बहुत इंप्रूवमेंट हुई 63 में, फर्स्ट टाइम बन गई थी, इसको कहते 1765 में है, बट 63 में बन चुकी थी, इंप्रूवमेंट होते होते 75 तक भी गई। अब 1800 सदी, दिस पर्टिकुलर ईयर 1800 सेंचुरी का स्टार्टिंग ईयर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए, इसने जन्म दिया जैकब पोलार्ड, आई एम मिसिंग द नेम, सेकेंड नेम लास्ट नेम नहीं याद हो रहा मुझे, ठीक है देख लेना। इन्होंने एनसी कार्ड्स बनाए, एनसी पंच डे पंच कार्ड, अब ये कैसे वर्क करते हैं ये मैं बिल्कुल पीपीटी के एंड में एक वीडियो प्ले करूंगा आपको तब दिखेगा, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बट ये पहला स्टेप बना ऑटोमेशन के लिए। दो मिनट के लिए मैं पीपीटी हटा के मैं अपने आप को लेके आ रहा हूं कैमरे पे। अब आप पंच डे पंच कार्ड को समझने की कोशिश करना, ये बुक मार्क है मेरे पास, अब इस बुक मार्क के अंदर अगर मैं यहां को छेद कर दूं पंच मशीन के साथ एंड इसको रोल कर दूं, अगर ये रोल हो जाएगा तो ये बन गया पंच डे, ले जाओ। अब फॉर एग्जांपल कार्ड समझे, इसमें होल है, पंच कार्ड पंच डे आज भी यूज होते हैं किसी किसी जगहों पे, पर वो यूज होते हैं विद द एनकोडर्स विद लाइट सेंसर्स, पर पहले जमाने में जो यूज होते थे वो मैकेनिकली यूज होते थे, कोई मैकेनिकल स्विच है इसके अंदर लगा हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही, हेलो, हां मैं आ रहा हूं ना, मैं मैंने कैमरा ऑन किया, नहीं सर विजिबल नहीं सर, आप नहीं दिख रहे, विजिबल है आप, विजिबल है अब दिख रहे हैं सर, अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए ऑफ करके ऑन किया था इसलिए दोबारा, कोई पंगा नहीं, ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे बताओ मैं दोबारा स्टार्ट कर लूंगा, कितनी लगी ना, वो जो होल्स हुए होते हैं अब इमेजिन करना, आपने ऊपर पिंस लगाई हुई है, ये चल रहा है, जहां होल आएगा वहां वो पिन हिलेगी हल्की सी, छेद में जाएगी,
those movement used to give the signal या फिर mechanically उसको connect किया गया होता था and then वो आगे काम करता था. अब उन्होंने जो start किया ये NC punch tape बनाई, जो बनाया उन्होंने पूरे का पूरा tape and card उन्होंने बनाया था कपड़े सीने के लिए, कपड़ों पे पर्टिकुलर डिजाइन डालने के लिए, क्योंकि जब मम्मियों को आप कभी देखो हर एक के घर में मम्मी नानी दादी कोई ना कोई वो ऊन बुनते हैं और वो डिजाइन जरूर देखते हैं. बचपन में मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ हुआ हो, बट 80s का किड 90s के किड्स का तो ऐसा बहुत होता था कि अगर हम रोड पे जा रहे थे हमारे स्वेटर का डिजाइन अच्छा हो तो मैं रोक के ना लेडीज स्वेटर को उल्टा करके देखती थी, हम यूं खड़े हैं बच्चे और वो हमारा स्वेटर उल्टा करके देख रही है, ये क्या ऐसे निकाला था वैसे निकाला था. उस टाइम पे मुझे पता नहीं चलता था हो गया, रात के टाइम पे आई नो कि that was the competition, it was seeing, it was the way those females used to see the competition. इसने काम कैसा किया मैं भी इससे बेटर करके देखूंगी, मैं भी ट्राई करूंगी. तो इंडियंस में हमेशा से एबिलिटी थी. तो 1800 में ये पहला स्टेप बना एंड इट इज इंपॉर्टेंट. मैं ये द्वारा डिस्कस करूंगा, ये द्वारा सिलेबस में आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस. नहीं दीदी आज जान दो इस कमरे को. थैंक यू. गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब पीपीटी पे वापस आते हैं. अब इसी साल के अंदर जब हमने ये पंच टेप पंच कार्ड बनाए, उसी साल के अंदर एक चीज और हुई एंड वो क्या हुआ, स्क्रू बना गया. ये स्क्रू तो पहले बना चुके थे, ये क्या है मैं खा लूंगा, 10:50 का लेक्चर खत्म है तो फिनिश कर दूंगा, रख दूं. 1800 के अंदर एक टर्म इन्वेंट हुई विच इज नोन एज इंटरचेंजेबिलिटी. एनीवन वुड लाइक टू से व्हाट इज इंटरचेंजेबिलिटी? कोई आप में से? सर डिफरेंट जगहों पे चीजों को मैन्युफैक्चर करके असेंबल करना. ओके ठीक है, और ट्राई करिए. दैट वाज नॉट स्क्रू और समथिंग, वो पहला मैंने बस एक सिंबल डाल दिया. 1800 सदी के अंदर एक टर्म इन्वेंट हुई, इन्वेंट नहीं हुई, इस पर वर्क होना शुरू हुआ, जिसे कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी. उसका स्टेपिंग स्टोन बना. मैं एज्यूम कर रहा था आपने मेट्रोलॉजी पढ़ी है तो आपने वो पढ़ा होगा. आई डोंट नो हाउ यू मिस दैट. पीयू मैम से पढ़े हो आपने मेट्रोलॉजी या किस टीचर से पढ़े थे? अतुल सर से. माय माइक कंडोलेंसेस. स्टार्ट करते हैं. इंटरचेंजेबिलिटी. फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल का कवर उतारता हूँ, अभी मुझे एक बच्चे ने मैसेज करके बोला नया मोबाइल ले लिया, अब एक गधे लॉकडाउन स्टार्ट होते ही लिया था, आज देख रहा है दुष्ट बिजी इतने थे. अब ये कवर मैं इस ब्रांड के मोबाइल पे किसी पे भी चढ़ा दूं, किसी पे भी वो चढ़ेगा, इट इज इंटरचेंजेबिलिटी. मतलब इन शॉर्ट अगर यही मोबाइल आपके पास है तो आप मेरा कवर चोरी करके भाग सकते हो. इसकी एग्जिस्टेंस तब आई थी जब याद करो जब आप 10-12 साल के थे और आपके मॉम डैड के पास वो नोकिया के फोन होते थे, उसमें BL5 नाम की एक बैटरी आया करती थी. मेरे पास नोकिया 7610 था, मैंने लिया होगा तब 25-28 हज़ार रुपए का वो फोन, उसके अंदर भी सेम बैटरी जो नोकिया 1100 में आती थी. नोकिया वॉज वेरी वेरी इनोवेटिव कंपनी, उन्होंने हर चीज को इंटरचेंजेबल बनाया था. तो कल को मेरी बैटरी खराब हुई तो मैंने क्या किया, बैटरी लेने पता करने गया तो उन्होंने मुझे बताया 2500 रुपए की. Obviously, I couldn't afford. मैं वापस आ गया ना, पागल हो गया 2500 की बैटरी. देन मुझे उसी दिन मेरे किसी दोस्त ने बताया कि भाई उसके फोन की बैटरी खराब है, मैंने दिखाया यार उसका फोन 1100-1200 नोकिया 3310 वगैरह सब में वही बैटरी थी सेम. मैंने देखा मिला यार तो सेम बैटरी मेरे वाली, मैंने उसकी बैटरी अपनी बैटरी फोन में लगा के चेक किया, माई फोन स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आए. मैंने वोल्टेज चेक करी, उसी समय कॉलेज में थे हम, वेले घूमते थे तो मल्टीमीटर लेने के पहुंच गए लैब में. आई डोंट नो हाउ मच यू आर कीन बट हम लैब से पहुंच जाया करते थे, सर एक मिनट मल्टीमीटर देखना है, फोन की बैटरी चेक करिए, बैटरी की परसेंटेज भी सेम आती है दोनों की. हम रीडिंग चेक करी, सब कुछ सेम आया. हमने दिमाग लगाया, हम गए दुकान पे, हम 2200 रुपए का फोन लेके आ गए. हम फोन लाए, हमने फोन में लगाई पुरानी बैटरी और वो हमने लोकल मार्केट में बोला आज ही लिया है, इसका बैटरी ढंग से नहीं दिख रही, ये बिल है वगैरह. हमने वो फोन उसको दुकानदार को भेज दिया, 2200 का फोन हमने 1800 का भेज दिया, 400 रुपये कम, वो भी बड़ा खुश लेने वाला. पर टेक्निकली मुझे 400 रुपये की बैटरी पड़ी, वो भी ब्रांड न्यू नोकिया की. और जैसे ही नोकिया कंपनी को पता चला कि इंडियंस ये करना शुरू कर चुके हैं, बहुत हुआ ये, मैंने अकेले ने नहीं किया, 30 मार खाने वाली हरकतें बहुत हुई, तो उन्होंने आगे बैटरी चेंज करना शुरू कर दिया. और बैटरी पे एक यूनिक स्कैम है, स्कैम है यस, उस टाइम का था, उस टाइम पे बड़ा नॉर्मल था ये. मतलब जैसे फोन एग्जांपल देता हूँ, मेरा फोन उन्होंने खराब हुआ तो उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू फोन दिया 11वें महीने पे, 11th मंथ पे विद द वारंटी ऑफ 6 मंथ्स. आज के टाइम पे कोई कंपनी नहीं देती है. आज के टाइम पे सुमित सर का अभी हेडफोन्स खराब हुए मी के, मेरे हेडफोन यहाँ खराब पड़े होंगे सैमसंग के, ये पड़े हैं. अगर मैं कंपनी के पास जाता हूँ दे जस्ट गोइंग टू रिप्लेस देम एट द मोस्ट, और उसके बाद भूल जाओ.
जो टाइम वारंटी स्टार्ट हुई थी वहीं से वहीं रहेगी, मतलब नया डिवाइस दिया न्यू वारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। बट नोकिया यूज टू गिव, हेंस दे यूज टू बी द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया एंड स्टिल दे आर गोइंग टू कम बैक टू इंडिया थैंक्स टू हेट चाइना वाली बात। सो इंटरचेंजेबिलिटी केम इन टू एक्जिस्टेंस 1800 सदी के अंदर। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, कोई भी स्क्रू, अब M8 8mm का स्क्रू आप किसी भी दुकान से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में लीजिए, वो एक पार्ट दूसरे पार्ट में लग जाएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल इंटरचेंजेबिलिटी। रेनॉल्ड्स के पेन की कैप किसी भी रेनॉल्ड्स के पेन पे लग जाएगी, एक कैप किसी भी पेन पे। तो ये था इंटरचेंजेबिलिटी, जो एक वर्ड बहुत सिंपल सा लग रहा है आपको, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द ऑल रेवोल्यूशन व्हिच वी आर हैविंग और व्हिच वी आर फेसिंग नाउडेज। हमारे लिए जो कहते हैं कि कभी जो किसी के लिए मेहनत थी, कष्ट था, लग्जरी थी, वो आज आपके लिए नेसेसिटी हो गया है। एग्जाम्पल, यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस एंड अटेंडिंग द लेक्चर्स ऑनलाइन राइट नाउ, इट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी लग्जरी थिंग फॉर मी एट अ टाइम। यूडेमी पे जाके क्लास अटेंड करना, NPTEL के लेक्चर्स अटेंड करना, ये टाइम पे मेरे लिए बड़ा वो होता था, अरे वाह हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, IITs के प्रोफेसर को सुन रहे हैं। आज ये नेसेसिटी बन गई है, मजबूरी बन गई है सबके लिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 100 साल तक कुछ नहीं हुआ, काम हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, कई चीजें आई। मैं उनको ऑटोमेशन में नहीं गिनूंगा, इंजीनियरिंग की अगर मुझे चीजें हिस्ट्री लानी होती तो मेरे पास कई पॉइंट थे, पर पूरे 100 साल तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो ऑटोमेशन से रिलेटेड था। बट देन हेनरी फोर्ड लाइन लेके आए थे। यस, वेरी गुड, दिख रहा है आपको बकायदा। हेनरी फोर्ड जी, शायद मैं भी दिख रहा हूँ और आपको PPT भी दिख रही होगी, ठीक है। हेनरी फोर्ड जी ने क्या किया, सबसे पहले दिमाग लगाया कि गाड़ियां तो हर कोई बनाता है, मैं असेंबली लाइन बनाऊंगा। आपको नोट करना है तो प्लीज ये के साथ टर्म्स नोट कर सकते हो, असेंबली लाइन। 1913 के अंदर जब वो असेंबली लाइन लेके आए, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का हुलिया बदल दिया। अब गौर करना इस बात को, शायद आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर ये ना हो, मेरे लिए बहुत होता है। आज से सिर्फ 107 साल पहले, जस्ट 107 ईयर्स अगो, जस्ट फोकस ऑन टू मी, 107 साल पहले तक हमारे पास असेंबली लाइन ही नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि असेंबली लाइन भी कोई चीज हो सकती है, हमारे लिए काम इतना इजी हो सकता है। मतलब वो एक स्टेपिंग स्टोन बना, हमारा पहली नींव बनी जब हमने अर्थ की बैंड बजानी शुरू करी। हमने डिसाइड किया, यस वी वॉन्ट टू किल अवर अर्थ, हम जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद नहीं करेंगे, हम उसमें सब कुछ करेंगे, हम नाचेंगे भी साला उसी थाली के अंदर, जब वो तबाह हो जाएगी फिर हम मरेंगे। तो वो हमने स्टार्ट किया, मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मास प्रोडक्शन वैसे उसके भी थोड़े सालों बाद आया, 34 में आया था, ठीक है, पर 1924 में आया था, 34 मैंने PPT में लिखा, मेरी PPT गलत है, मुझे वो चेंज करना, मैं भूल गया। लास्ट टाइम ही मैंने वो जब डेमो लेक्चर में दी थी तब भी गलती मुझे याद आ रही थी। इट्स 1924 के अंदर हमने मास प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी हर चीज की। अब हमने गाड़ी बनानी शुरू करी असेंबली लाइन की वजह से। असेंबली लाइन नहीं आई होती तो हमें इतनी मास प्रोडक्शन नहीं होती, और मास प्रोडक्शन नहीं होती तो मास कंजप्शन नहीं होता। ये मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर कोई पूछे कि पेप्सी कंपनियां, कोका कोला कंपनियां ये इतना वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, दे आर डिस्ट्रॉइंग द सी, मैं बोलता हूं नहीं, दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग, गवर्नमेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग। अगर गवर्नमेंट उनको बोल दे कि ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमारा कंजम्पशन रेट बंद हो जाएगा। इन 5 महीनों के अंदर अब हर बंदा ये मानेगा। आज से 5 महीने पहले जब मैं पुराने स्टूडेंट्स को बात कहता था, तुम्हारे सीनियर्स को आधे मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, बट नाउ आई डाउट कि 90% लोग या 95-99% लोग मेरी बात इससे अग्री करेंगे कि अब हमें नहीं मिला अगर जंक फूड तो हम मरे नहीं, ठीक है। हाँ, तड़पे हमने, नौटंकी भरी बिखेरी ऑनलाइन जाके, ठीक है, जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे उन्होंने देखा, कभी मैं कभी पिज्जा की फोटो बना के डाल रहा हूँ, कभी कुछ डाल रहा हूँ, मुझे गालियां पड़ी मेरे दोस्तों से, फिर मैंने वो डालने बंद करे। आपने भी किया होगा, वी आर मिसिंग दोज थिंग्स, बट वर वी डाइंग विदाउट दोज जंक प्रोडक्ट्स? नो, वी वर नॉट। घर में 2 लीटर की अगर पेप्सी की बोतल पड़ी थी तो उसी से, पेप्सी कोका कोला वट एवर सॉफ्ट ड्रिंक यू विश, जो भी पड़ी थी, तो हमने उसी से पूरे 2-3 महीने निकाल दिए। हम सेव कर करके चीजें रख रहे थे। एम आई द ओनली वन या नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं? नहीं सर, बात सर आपकी ठीक है, लेकिन सर अगर इसी से अगर मैं एक और पॉइंट अगर मैं yes, अगर आप yes, बिल्कुल, you are allowed, sir, you people are allowed to do anything, हाँ बताइए। बस सर अगर आप सर एक बात देखें कि ये सब जो मतलब ये जो मास कंजम्पशन की आप बात कर रहे हैं सर, और अगर मैं सर अपनी अपनी कंट्री की बात करूं
तो सर जब से जब हम फ्री हुए ब्रिटिश से, तो उसके बाद से लेकर के अभी तक हम हमारे अंदर एक पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे पास। हाँ, तो फिर हमें लगता है कि जो बाहर जो 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 हो रही हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमारे भी देश में आनी चाहिए किसी ना किसी तरह से। तो उस चक्कर में फिर गवर्नमेंट्स कभी कभी जो वो नेसेसरी रेगुलेशंस लेकर आने पड़ते हैं, वो उनको कभी कभी बाईपास कर देते हैं, क्योंकि जो क्योंकि लोगों के अंदर ये होता है कि हमें कि ये जो जो लोग बाहर कर रहे हैं जिस चीज़ को एक्सपीरियंस, वही वही हमारे देश के लोग भी करें। तो पहले आप बोलो, फिर मैं कंप्लीट करूंगा। हाँ सर, यही कह रहा हूँ। और प्लस सर, जब 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 ये सारी चीज़ें तब बाहरी कंट्रीज में हो रही थी इन द 1920s 30s, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद जब फिर वो हुआ, फिर ख़त्म हुआ, तो फिर बाकी सारी जो कंट्रीज को फिर बाद में ये भी लगा कि हमें अपने आप को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो फिर और वो स्ट्रांग में फिर वो बात फिर वे ऑफ लाइफ की भी आ गई कि अगर हमें मिलिट्रली स्ट्रांग करना है, तो साथ में हमें अगर अपने आप को डेवलप भी करना है, तो हमें हमारे जो लोगों का जो वे ऑफ लाइफ भी करना है इम्प्रूव। तो उस चक्कर में सारी कंपनीज फिर ये करती रही। अक्षत, अब गौर करना, हुआ क्या इन दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन ऑफ आर्ट्स, मेरा पॉइंट ये था टू टेल यू कि ये चीज हुई और हम मरे नहीं उसके बिना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ठीक है। हल्का सा डिबेट अक्षत, अब कहां हो गए आप मुझे बताने लगे कि ये क्यों हुआ, तो मुझे पता है कैसे करना है, मुझे वो भी पता है। आपको लगता होगा सिर्फ ड्राइविंग इंडिया में, इंडिया बहुत लीस्ट करप्टेड कंट्री है, इंडिया में पेट्रोटिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, वो तो बिल्कुल है, मैं उससे भी बिल्कुल कर रहा हूँ अग्री आपकी, बट आई विल जस्ट, हाँ नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा बेटा, मैं बस बता रहा हूँ, कोई बात नहीं अक्षत, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। एंड मैम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, आई एम अग्रीइंग टू ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है। मैं अभी वर्ल्ड वॉर टू पे भी आने वाला था, मेरे पास अब 9 मिनट बचे हैं लेक्चर के लिए, ठीक है। मैं वो सब चीज़ पॉइंट पे आने वाला था, पर पॉइंट अभी डिवेट ना करके फटाफट कंसाइज करके खत्म करते हैं कि यस, बट अगर मैं बोलूँ कि हाँ, जब कुछ इस वजह से हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शर्ट्स क्यों पहनता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वेस्टर्न पहना जाता है, ये सब कुछ वो हुआ हमारे अंदर कॉलोनाइजेशन, जो आपने वर्ड यूज किया, आई एम नॉट श्योर कि मेरी प्रोनाउंसिएशन वो वर्ड क्लियरली मैं यूज कर रहा हूँ, बट फैक्ट वही है कि आज भी हम गोरे रंग को ऊपर देखते हैं, अरे वाह गोरा है, ठीक है, वो सूट में है तो बड़ा सुंदर लग रहा है, यही कुर्ते पजामे में आए तो वो बेवकूफ लगेगा, या धोती में आए तो आपको, ये है एग्जिस्टेंस है हमारे अंदर, ठीक है। बट ये कब जाएगी, जब आपका जाने का मन करेगा, ठीक है। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा किसी के साथ हो, बट एग्जांपल देते हैं, इमेजिन अ गर्ल लीविंग यू और अ बॉय लीविंग यू, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं क्लास में एक दो लड़कियां भी होंगी, एनीवन हु यू लाइक और यू आर इन रिलेशनशिप विद लीव्स यू, सिंगल पीपल आउट देयर, आई एम सॉरी, हां मैंने आपकी दुखी नस पे हाथ रख दिया, ठीक है। दे लीव यू एंड दे लीव यू, और उनके पास कोई रीजन नहीं था, उन्होंने कभी फालतू का रीजन दे दिया, यू डोंट ड्रेस प्रॉपरली, अब आपकी दुखी नस पे हाथ रख के चले गए, उसके बाद जो चीज वो बोल के गया, आप उसी पे लगे रहोगे और बेटर करने के लिए। तो इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज जस्ट नॉट अबाउट वी और आवर फोर फादर्स, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। अमेरिका को लगा, अरे इंडिया ने चाइनीज एप्स ब्लॉक करी, हम क्यों नहीं कर सकते, ट्रंप भी कूदना शुरू हो गया, ठीक है। आप पूरे वर्ल्ड में हर चीज में, जैसे एग्जाम्पल वो हाइड्रोक्लोरो जो भी दवाई थी जिसके लिए ट्रंप बड़ा वो हुआ, अगर हमें इंडिया हाइड्रोक्सिल एग्जैक्टली, तो उस पर बड़ा कूदे, और हमें वो चाहिए भी नहीं थी, वी नेवर वॉन्टेड दैट मेडिसिन, ले जा खुश रख, ठीक है। उसके चक्कर में हमारी इंडस्ट्रीज रन हो गई, उस गधे ने नहीं मांगी होती ना लाख, जिनकी 2 लाख हमें मेडिसिन बनानी पड़ती, ना हमारी इंडस्ट्रीज खुलती, ना ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा ओपन जो हुआ था ना, थोड़ा सा अनलॉक थोड़ा सा हुआ था, वो थैंक्स टू ट्रंप हो गया। तो व्हाई आई ऑलवेज से दिस थिंग्स, मैं कहता हूँ कि चलेगी क्या, सिंगापुर दूसरी कंट्रीज में भी रूल्स है कि आपका डेटा वो कभी भी मांगेंगे, आपको देना होगा, आपको चेक कराना होगा। अब वो आपकी कंपनी को ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए डेटा मांग रहे हैं या फिर उसे यूज कर रहे हैं आपकी कंट्री के अगेंस्ट, वो आपको थोड़ी पता है, पर उस कंट्री के रूल्स हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम अगर रूल्स बनाए स्ट्रिक्ट, तो हम वो फॉलो कर सकते हैं, मेरा बस यही था। अब हम डिबेट नहीं होते हैं, वैसे बहुत हो चुके थे, वापस से आते हैं। तो 1913 के अंदर सेम लाइन बनी, 1934 नहीं है, 1924 होना चाहिए था, मैंने बताया, मैंने पीपीटी में गलत लिखा है। तो उसके अंदर हमारी क्या बनाई है, सेम लाइन नहीं, इसे कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट, और शुड आई से
कन्वेयर बेल्ट इज द ओनली राइट वर्ड, अभी मुझे एग्जैक्टली और वर्ड याद नहीं आ रहा. व्हाई कन्वेयर बेल्ट? टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. असेंबली लाइन के अंदर क्या होता था, असेंबली लाइन में हम एक जगह खड़े हैं, काम हो रहा है और वो उठ के चला गया, एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में है, पर यहाँ जहां एंड हुआ वहां एंड हुआ, वहां से सामान मैनुअली उठाया जाता था, पर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या हुआ, वो सामान भी ऑटोमेटिकली आगे गया और वहां भी इंसानों की जरूरत नहीं पड़ी. तो इससे मास प्रोडक्शन में बहुत हेल्प हुई. अब उसके 10 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जैसा कि अभी अक्षत ने कहा, वर्ल्ड वॉर की बहुत इंपॉर्टेंस है. यस आई डू अग्री, वर्ल्ड वॉर पहली वो चीज बनी जिसने पूरे वर्ल्ड में इनोवेशन की बहुत छाड़ ला दी. ऑटोमेशन भर के आया, इतना भर के आया, उसके बाद तो मिशन मुड़ के देखा ही नहीं किसी ने. क्यों आया, इसका रीजन आप लोग मुझे दे सकते हो. अभी मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आई एम गिविंग एन असाइनमेंट, आई एम आस्किंग यू टू सबमिट ऑन द सैटरडे. टुडे इज थर्सडे, यू हैव फ्राइडे एंड यू हैव सैटरडे. अब कितने बच्चे मेरे इस पास से अग्री करेंगे कि आप वो असाइनमेंट को खोलोगे ही फ्राइडे या सैटरडे की सुबह ही? कितने बच्चे होंगे क्लास में, इमेजिन करो, अज्यूम करो. 45 बच्चे इस समय ऑनलाइन है. हाँ जी, 90% बिल्कुल, मतलब 44 बच्चे अब से ऑनलाइन है, 40 के करीब उस शनिवार के दिन ही देखोगे. क्यों देखोगे? अरे आखिरी दिन पे देखेंगे, दो चार कोई बच्चे होंगे, असाइनमेंट कर लेंगे, उनसे मांग लेंगे, कॉपी कर लेंगे. इट इज द नॉर्मल टेंडेंसी, इट इज द नॉर्मल वे वी ऑलवेज बीन वर्किंग. हम काम लीनियंसी में करते हैं, तो हमारी डंडा ना आया, पीछे आग ना लगे, लाइक अ रॉकेट. तो वर्ल्ड वॉर टू बिकेम दैट रॉकेट. कैसे? लोग हुए पेट्रियोटिक, लोगों ने नहीं सोचा पैसा, रिसर्चर्स ने नहीं सोचा मुझे फंडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे कितना टाइम चाहिए, क्या चाहिए. सब पागलों की तरह लगे और सब ने हर एक चीज बनाई. एएमएम आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस समय एएमएम है, एएमएम है इस बार आपको? एएमएम में जितने भी आप मोस्टली सब्जेक्ट टॉपिक्स देखोगे, जैसे ईडीएम मशीन देखोगे या एक दो और देखोगे, उस सबके सबकी एग्जिस्टेंस कब हुए, कब स्टार्ट हुए? वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, लेजर बीम मशीनिंग अराउंड अबाउट वर्ल्ड वॉर टू, उससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस थी, पर अब उनको हथियार के रूप में, मशीनिंग प्रोसेस के रूप में यूज करना शुरू किया, वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, अब इसी की एग्जांपल लेते हैं. मैकाट्रॉनिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, मुझे नहीं पता आपकी क्लास का है, किसका है, आपको रचना मैम पढ़ा रही है, मैकाट्रॉनिक्स कौन पढ़ा रहा है? सर हमारा हो गया, हो गया, दैट इज बैड, गुड, हो गया. ठीक है, तो सब कुछ समय बना, कंप्यूटर ऑटोमेशन तभी बना. तो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर उन्होंने बनाया ना, मैकेनिकल कंप्यूटर एक कंप्यूटर था, वो बना 1944 में, बिटवीन इन बिटवीन दी वर्ल्ड वॉर. ठीक है, फिर 45 में हमारी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, 39 से स्टार्ट हुई थी, सितंबर 1st 39 से, और 2 सितंबर 45 को खत्म हुई. पूरे 6 साल 1 दिन ये वर्ल्ड वॉर चलने के बाद जब एक फिनिश हुई, व्हेन इट गॉट एंडेड, फिर दुनिया ने देखा. और यही 6 साल है, अच्छे मजेदार के शब्द आता हूँ, ये इट्स अ ट्रिविया फैक्ट, इस 6 साल के अंदर एक भी इनोवेशन नहीं हुई, सिर्फ एक फील्ड के अंदर, ओनली वन फील्ड देयर वाज, देयर वाज ओनली वन पर्टिकुलर फील्ड जिसमें जीरो इनोवेशन हुई, एंड दैट फील्ड वाज व्हाट, मैं 2 मिनट बाद लेक्चर खत्म होगा, एंड दैट फील्ड वाज व्हाट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों का सेक्टर. उससे पहले खूब चला, उसके बाद खूब चला. मैंने एक आई हैव गिवन दिस लेक्चर ट्वाइस और थ्राइस टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अबाउट हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल. पीपल थिंक कि मेरी गाड़ी में ये नया आया है, ये नया आया है, तो मैंने प्रेजेंटेशन बना रखी है, कभी बोलोगे तो किसी और दिन आप लोगों को दे दूंगा वो प्रेजेंटेशन. इट्स अबाउट हिस्ट्री अबाउट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, की कुछ भी नया नहीं है आजकल, आपको गाड़ियों में देख रहे हो, ये सब 20-30 साल पुराना है मिनिमम. तो वो एक 6 साल ऐसा टाइम था कि गाड़ियों में कुछ नया नहीं हुआ, किसी ने सोचा ही नहीं गाड़ियों के बारे में. और उन 6 साल में बाकी कोई दुनिया की फील्ड नहीं छूटी जिसमें काम नहीं हुआ. बायो वेपन्स तब बनने शुरू हुए फर्स्ट टाइम, हमारी मूवीज मार्वल देखे, डीसी देखे, सब में वर्ल्ड वॉर टू की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना एग्जिस्टेंस घुसेट रखा उन्होंने, हर चीज वर्ल्ड वॉर टू के आसपास लेके जाते हैं. हेल बॉय तक में वर्ल्ड वॉर टू की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें वर्ल्ड वॉर टू की बड़ी इंपॉर्टेंट रही. नाउ वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगले ही साल पहला कंप्यूटर बना, इसे नाम दिया गया इनियाक, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इनियाक, ENIAC, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर. इट वॉज न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का इंटीग्रेटर था, और एंड कंप्यूटर इसको नाम दिया गया. ये सिर्फ न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर नहीं है, इसका नाम एंड कंप्यूटर भी है, इनियाक, ENIAC. ठीक है, कभी एक बार गूगल कर लेना, पता चल जाएगा. इस पर मूवी भी बनी है, वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक्ट किया है, कम्बरबैक ने. आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, आप लोगों को शायद पता होगा किसी को.
Termitation Game. Termitation Games. Yes, yes, yes. That movie is exactly based on this particular computer. ये कैसे बना? Turing ने सर वो तो कहते हैं ना father of advanced computing. Yes, exactly. Very good. So you people are good, yeah. That is good. मैं bore नहीं हूँ तो मैं पढ़ाने में, वरना मैं बहुत bore हो जाता हूँ जब बच्चों को movies नहीं पता होती. मेरे पास एग्जांपल ज्यादातर मूवीज या स्टोरीज बुक उसकी होती हैं तो इसलिए 52 बिकेम द फर्स्ट स्टेप टू हां सॉरी कुछ कुछ कह रहा था बोलो पूरे लॉकडाउन में किया ही क्या. चलो ऐसे टाइम हो गया है मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा 10 मिनट ही आप लोगों को मिलते हैं. 1952 से नेक्स्ट क्लास में होगा और बहुत छोटा सा बचा है और 52 से इंपॉर्टेंस आपके लिए है ठीक है. 52 में ऐसा क्या हुआ क्या बनाया ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां से स्टार्ट करेंगे. मेरी बस संबल से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को बोलो जो भी मिस कर रहे हैं लेक्चर्स उनको सिखाओ उनके साथ बैठो और उन्हें लेके आओ ठीक है. ओके सर थैंक यू एंड आई विल साइन ऑफ अटेंडेंस आप लोगों को. अच्छा आप लोगों ने ग्रुप तो ज्वाइन कर ही रखे हैं. हाँ जी अगर आगे चल के हमें लगा तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे या फिर मैं कोई मैसेज करूंगा ठीक है. ओके सर और थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अक्षय तू भी बोल रहा है थैंक यू. अरे बोल दिया उसने. चलो अब आप साइन ऑफ कर सकते हो जा सकते हो. 10 मिनट की ब्रेक है मैं भी फटाफट ब्रेकफास्ट करूं 9 मिनट अटेंडेंस.